किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC फॉर्म में जो टेक्निकल आता है, केमिकल आता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि ये जो टेक्निकल है कौन कौन सी कंपनियों के किन किन ब्रांड नेम के अंदर मिल जाता है, उसके साथ साथ ये कौन कौन से कीटों पर अच्छा काम करता है, इसकी हमें डोज कितनी देनी है, कौन कौन सी फसलों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी कितनी होती है, इनका जो रेनफास्टनेस रेट है वो कितना है, इसकी कीमत क्या है, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसका उपयोग हमें कौन से वेदर में नहीं करना चाहिए। यदि उस वेदर में आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, पहले हम जानते हैं कि इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्म में जो टेक्निकल है वो कौन कौन सी कंपनियों के कौन कौन से ब्रांड नेम के अंदर मिल जाता है। देखिए इगाओ नाम से भी, ब्रांड नेम से भी आता है, जो इफको कंपनी बनाती है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ ये प्रोक्लेम के नाम से भी आता है, जिसको क्रिस्टल कंपनी बनाती है, उसकी भी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा धनुका के कंपनी का भी आता है M1 के नाम से, तो उसकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप लेकर स्प्रे करेंगे तो सबके सेम रिजल्ट मिलेंगे, या अन्य कोई भी आपके पास ट्रस्टेड कंपनी हो उसके ब्रांड नेम में ये जो टेक्निकल है वो मिलता हो तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके जो रिजल्ट हैं हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो टेक्निकल होता है इसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5%, ये जो टेक्निकल होता है ये नॉन सिस्टेमिक होता है, यानी कि ये सिस्टेमिक तरीके से काम नहीं करता है, लेकिन इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि जब हम इसका स्प्रे फसलों पर करते हैं तो ये ट्रांसलेमिनार एक्शन के जरिए फसलों के अंदर पहुंच जाता है, यानी कि पत्तियों पर जैसे स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के आर पार दोनों तरफ हो जाता है, और जो कीट है वो किधर भी हो, पत्ती के ऊपर हो या पत्ती के नीचे हो, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए इसके अंदर कीटों को मारने के लिए दो एक्शन पाए जाते हैं, एक तो कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, यानी कि जो भी कीट स्प्रे के दौरान इसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको ये खत्म कर देता है। उसके बाद इसके अंदर स्टोमैक एक्शन होता है कि जब कीट पत्तियों को खाता है, मान लीजिए जो हमने ट्रीटेड जो पत्तियां हैं जिन पर हमने स्प्रे कर दिया है उसमें जो भी कीट है वो पत्तियों को खाएगा या उसके रस को चूसेगा, तो उसके अंदर जो ये टेक्निकल जाता है पेट के अंदर, तो पेट के अंदर जाने के बाद उस कीट को ये पैरालाइज कर देता है, यानी कि मार देता है। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट और स्टोमैक दो एक्शन पाए जाते हैं। देखिए स्प्रे के बाद ये 2 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे फसलों पर कीट होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं स्प्रे के 2 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जो कीट की मौत है वो लगभग स्प्रे के 2 से 3 दिन बाद होती देखने को मिलती है। तो लेकिन जो हमारी फसलों पर नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे बाद जो हम कीट है वो हमारी फसल पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी कि उसको खा नहीं सकता है। और देखिए इस टेक्निकल के हम रेनफास्टनेस रेट की बात करें तो इसका जो रेनफास्टनेस रेट होता है वो 4 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 4 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, 4 घंटे के अंदर अंदर ये ट्रांसलेमिनार एक्शन के जरिए प्लांट के अंदर पहुंच जाता है, तो फिर अपना ये रिजल्ट पूरा दिखाता है, इसके रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है अगर 4 घंटे बाद बारिश हो जाती है। यदि हम इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की बात करें तो इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी लगभग 10 दिनों की हमें देखने को मिलती है, कि स्प्रे के बाद 10 दिनों तक इसका असर हमें अब फसलों पर देखने को मिलता है। ये कुछ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, यदि हाई टेम्परेचर होता है तो जो रेसिडुअल एक्टिविटी है वो कम हो सकती है, यानी कि 10 से कम होकर वो 6 से 7 दिनों तक की भी रह सकती है। यदि हम बात करें कि इमामेक्टिन बेंजोएट कौन कौन से कीटों को फसलों पर कंट्रोल करता है, तो देखिए जितने भी च्यूइंग पेस्ट होते हैं यानी कि चबाने वाले कीट होते हैं उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, जैसे कि हर तरह के इल्ली को, लार्वा को ये कंट्रोल करता है। उसके अंदर जैसे कि आता है हमारा बॉलवर्म, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। लूपर जिसको हम कहते हैं, लूपर या सेमी लूपर, इसको भी ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ डायमंड बैक मॉथ जो कीट होता है उसको भी ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ पॉड बोरर को भी ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है, उसकी पिक्चर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ स्टेम बोरर यानी कि तना छेदक कीट को भी कंट्रोल करता है, फल छेदक यानी कि फ्रूट बोरर कीट को भी ये कंट्रोल करता है, सूट बोरर कीट को भी ये इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ देखिए थ्रिप्स पर भी काम करता है, जो सकिंग पेस्ट होता है ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करता है, और ये माइट्स पर भी काम करता है।
तो इन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करता है। यदि हम फसलों की बात करें कि हम कौन कौन सी फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो देखिए कपास पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, सोयाबीन पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, मूंगफली की फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, मिर्च पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, भिंडी पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, बैंगन की फसल पर स्प्रे ले सकते हैं, टमाटर की फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, और भी अन्य फसलों में यदि इन कीटों की समस्या है तो आप उन पर भी इसका स्प्रे ले सकते हैं। इसके जो रिजल्ट है हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए इमामेक्टिन बेंजोएट का जो रिजल्ट है हमें हाई टेम्परेचर पे अच्छा देखने को नहीं मिलता है, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में इसके जो रिजल्ट है हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि इसके जो रिजल्ट है उनमें गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप या 16 लीटर पंप में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करना होता है। पर लीटर पानी की बात करें तो 0.5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे अपनी फसलों पर लेना होता है। दीदी देखिए यदि इंसेक्ट का अटैक आपकी फसलों पर ज़्यादा है तो इसका जो रिपीट स्प्रे है वो आप 7 दिन के बाद अपनी फसलों पर ले सकते हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इन जो मैंने कीट बताए उनको बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी फसल पर कंट्रोल करता है। यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो इसकी जो 250 ग्राम की पैकिंग है वो हमें लगभग 650 से 700 रुपए की रेंज में मिल जाती है, तो ये इसका प्राइस है। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।